जिले के SSP कौशल किशोर के द्वारा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें कि बता दें कि जिले के SSP, CTSP, ट्रैफिक DSP, तमाम थाना प्रभारी और कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारी के मौजूदगी में ट्रक चालक और ट्रक ऑनर और ट्रांसपोर्टर के बीच सवाल जवाब भी किया गया, जिसको लेकर कई सवाल जवाब को लेकर ट्रक चालकों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें कि कई नियम्स को पालन करने के लिए इस तरह से जो है रूल रेगुलेशन को सड़क पर किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी की जाए या फिर सड़क पर चलने में किन किन नियमों का पालन किया जाए, जिसको लेकर SSP ने साफ तौर से कहा कि अगर इस तरह से चालक पूरी नियम का पालन करते हैं तो पूरी सड़क दुर्घटना को रोकथाम के लिए इस तरह से हम लोग कामयाब रहेंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चालक में भी एक जागरूकता फैलाया गया। हालांकि इस तरह से कई अलग अलग ट्रांसपोर्टर के बीच भी यह बैठक की जाएगी और बैठक के दौरान चालक को किस तरह से जागरूक किया जाएगा उसको लेकर लगातार जो है जिले के SSP ने कड़ी कदम उठा ली है, और जिसको लेकर किस तरह से इस रोकथाम को रोका जाए, इस दुर्घटना को रोका जाए, उसके बाद सब बता दें कि यह सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जो है जिले के SSP तमाम पदाधिकारी ने बैठक भी किया है। और बैठक के बाद आइए हमारे साथ जो है जिले के SSP तमाम जानकारी के साथ जुड़ते हैं किस तरह से सड़क दुर्घटना को रोकथाम में कमी लाई जाए। स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में आज हम लोगों ने एक सड़क सुरक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और जमशेदपुर पुलिस का, खासतौर पर यातायात पुलिस का ये एक लगातार प्रयास रहता है कि कंटिन्यूसली अवेयरनेस कैंपेन्स चलते रहें, अवेयरनेस ड्राइव चलती रहे। इसको लेकर के अक्सर हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कई बार चौक चौराहों पे भी नुक्कड़ नाटक वगैरह का आयोजन करते हैं, लेकिन एक तरीके से हम लोगों ने पहल की है कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लंबी दूरी की जो है बड़ी ट्रक्स को चलाते हैं, उनके मध्य इस प्रकार का एक ड्राइव चलाया जाए, उनकी भी बातों को सुना जाए, समझा जाए। इसी को लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ड्राइवर्स के साथ इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि एक चर्चा की गई, जिसमें उन लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश की गई, उनको भी सुनने का एक प्रयास किया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, और चूँकि ये हाईवेज पे चलाते हैं, बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, वैसे में इनका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि लोग अवेयर रहें, सेफली अपनी गाड़ी को चलाएं, जिससे कि खुद हिफाजत से रहें और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी हिफाजत में रखें। सर गाड़ी फिटनेस को भी लेकर है, सर की गाड़ी काफ़ी तरह की फिटनेस के, देखिए वो चीज़ अपनी जगह पर है, और उसके जो इन्फोर्समेंट टीम है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम हो या पुलिस की टीम हो, वो कंटिन्यूसली एक ड्राइव चलती रहती है, और जो भी इस प्रकार की अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है या प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने साथ में नहीं रखे हुए हैं तो उसके लिए कानूनी प्रावधान रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। लेकिन अवेयरनेस कैंपेन चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग खुद इतने अवेयर रहें कि इस प्रकार के चीज़ों को इन्फोर्स करने की, इस प्रकार से कोई एक्शन लेने की आवश्यकता हम लोगों को कम से कम। हम लोग 0% पे आ सकते हैं, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ सकते हैं, 0 लेवल पे आ सकते हैं, और कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो जिन्होंने 0 एक्सीडेंट के जो है अपने टारगेट को पूरा किया है, तो हमारा टारगेट तो हमेशा वही होना चाहिए। सीनियर साहब ने बताया कि सड़क दुर्घटना आज के समय में विश्व स्तर पर चैलेंजिंग समस्या आ गया है, और इसे कम करने का हर स्तर पर प्रयास चल रहा है। इसी प्रयास में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम अक्सर स्कूलों, कॉलेजों में, हाट बाज़ार में चलाते थे। यहाँ हमारी ये इच्छा हुई कि हम लोग क्यों नहीं ड्राइवर के बीच में अवेयरनेस लावें, जो ड्राइवर गलतियाँ करते हैं और दुर्घटनाएँ होती है। इसी उद्देश्य से हमने हर एक ट्रांसपोर्ट नगर में ये करने का फैसला किया है। अगले दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर मानगो में भी करने वाले हैं, वहाँ भी हम लोग करेंगे, और टाटा स्टील के अधिकारी हैं, इनके मदद से हम लोग इसको वहाँ भी करेंगे। सर क्या लगता है, यह अवेयरनेस अगर चलता रहे तो घटना में या दुर्घटना में किस तरह से कमी शहर को? देखिए, सड़क दुर्घटना जो है ये तो बिल्कुल 0 करने का प्रयास ही होना चाहिए, लेकिन इसमें जो समस्या है वो ये है कि इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कोई ऐसा बांध लगा के रोक नहीं करते हैं तुरंत, तो कम करने का ही प्रयास है। कम करते करते हम लोग 0 की ओर बढ़ेंगे, और उसमें एक बड़ा योगदान होगा जो गाड़ी चला रहे हैं, जिनसे दुर्घटना घटती है
अगर उसे हम बार बार अवेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो शायद कुछ कमी आएगी, ऐसी उम्मीद के साथ ही अभियान चलाया। आपने बताया स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, अभी भी स्कूल के बच्चों में छात्राएं अवेयरनेस पूरी तरह से नहीं आ पाया? नहीं, अवेयरनेस पूरी तरह तो अभी नहीं हो पाया है, अभी तो ये चल रहा है, बट ऐसा चलता रहेगा तो होगा। मैंने परसों पटमदा कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र में किया, लोगों ने बड़ी ही प्रशंसा की कार्यक्रम की कि ग्रामीण में कोई बताने नहीं आता है, हम लोग तो कुछ मालूम ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स का, तो वहाँ भी शुरू किए हैं। करें होगा, उम्मीद से चल रहे हैं हम लोग कि सभी को जागरूक करेंगे और दुर्घटना जो है जमशेदपुर में कम करेंगे। बहुत ज़्यादा देखिए, पेरेंट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, दोपहिया वाहनों में जो आज आए दिन नाबालिग बच्चे दुर्घटना में ये हो जा रहे हैं, इसमें पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर पेरेंट्स चाहें तो तुरंत घटना कम हो सकता है। हम इसीलिए जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वहाँ हम लोग टेम्पो ड्राइवर और बस ड्राइवर और पेरेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं कि उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। बाकी कानूनी कार्रवाई भी तेज चल रहा है। नशा जो आजकल के बच्चों में भी हावी होता जा रहा है, नशा जो है उसके लिए लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो सर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, नशा को लेकर? देखिए, नशा जो है एक बहुत गंभीर समस्या है, मतलब गंभीरतम समस्या है खास करके ड्रग वगैरह, तो उस बारे में तो यातायात की ओर से हमने कोई बड़ी कोशिश नहीं की है, बट जहाँ जागरूकता अभियान चलाते हैं वहाँ शराब का चर्चा करते हैं कि ड्राइवर नशा ना करें, तो निश्चित रूप से वो भी जुड़ जाता है। वहाँ भी बच्चों को हम लोग, अभी परसों वहाँ गए थे, वहाँ लोगों को हमने नारकोटिक्स के बारे में बच्चों को बताया कि उससे कैसे वो दूर रहेंगे। मानगो में भी प्रोग्राम किए थे, उसमें भी है, उसको हम लोग जोड़ के ही कर रहे हैं। सर, चालकों की सुरक्षा का अगर बात करें तो उन लोग का जीवन जो है एक बहुत ही नेक काम वो करते हैं, देश को कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर और कच्छ से लेकर के आसाम और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हैं, दिन रात सड़कों में पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी दयनीय स्थिति रहती है, और इसी में कहीं कहीं इनके साथ अगर अपराध होता है तो उनको भी रोकना चाहिए, और करती ही हैं। हम लोग ऐसा नहीं, पुलिस पूरी तरह से ड्राइवर के समस्याओं के साथ है, हम लोग ड्राइवर को कभी अपराधी नहीं मानते हैं, अनटिल अनलेस कि उनका कुछ निजी कोई ऐसा अपराध आ जाए सामने।